अच्छा नीतू मैम, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो आपकी फैंस हैं और वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती थी, तो हमने कहा कि बहुत टाइम भी बचे तो आप हमें बता दीजिए, तो मैंने उनके सवाल कुछ लिए हैं। हाँ, वो उनका ये मानना है कि जो एक आम गृहिणी के साथ होता है, हाँ, क्या वो एक सुपरस्टार बीवी के साथ होता है? गृहिणी मतलब हाउसवाइफ। वो वर्ड गृहिणी, आई डिडंट नो दिस। यू डोंट नो हिंदी, इट्स अ हाउसवाइफ। मुझे रियली नहीं पता है यार, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं गृहिणी समझा ग्रैंड मदर। गृहिणी ए, इनके सवाल है मेरे नहीं, हाँ, है। अगर आपको स्टूपिड लगे, आई अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माय हार्ट। नो प्रॉब्लम। इनके सवाल ये है कि जब खाना अच्छा बनता है तो हस्बैंड चुपचाप खा लेते हैं, तारीफ नहीं करते हैं, लेकिन अगर कभी नमक ज्यादा पड़ जाए तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कभी? मैं, अरे पागल है, जूते नहीं खाऊंगा अगर कभी। हिम्मत है किसी को बोलने की? अजीब सवाल पूछ रहा है। मैंने पहले कहा सर ये मेरा सवाल है ही नहीं, क्योंकि मैं तो शादी नहीं हुई ना सर, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस कोई है ही नहीं। होगा बेटे, होगा फिरंगी के बाद। ये भी एक महिला का सवाल है कि जिस दिन पति घर पे रहते हैं 10 कमियां निकालते हैं किसी भी चीज में, इससे अच्छा तो बाहर ही रहे, ऐसा कभी आप सोचती हैं? रोज। ओ, किसी हमारी माता बहन का एक सवाल है कि जिस दिन पति मूड में होते हैं, एक आध ड्रिंक कर लेते हैं, तो आई लव यू बहुत बोलते हैं, है? एक आध, एक आध से थोड़ा ज्यादा ही होना चाहिए टू से आई लव यू। तो क्या ऐसा होता है कि क्या? दो चार ड्रिंक के बाद आई लव यू ज्यादा निकलता है, ऐसा होता है? ज्यादा निकलता है तो कभी निकलता ही नहीं है। आई लव यू जब होता है जब डेट कर रहे होते हैं, शादी के बाद आई लव यू नहीं होता ना, इट्स ऑल फिनिश्ड। फिर लव यू और लव होता है ना, बच्चों का लव, घर का लव, नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं, नेक्स्ट लेवल पे, फिर वो स्टूपिड बात। वेरी ऑनेस्ट आंसर। सर आपने यस और नो में जवाब देना है। कभी आपको बहुत गुस्सा आया पब्लिक में और किसी को आपने थप्पड़ मारा आज तक? यस। yes. किस बात पे गुस्सा आ गया था आपको? बदतमीजी पे उनके। बदतमीजी पे, एक्चुअली बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, लोगों को भी ये बात समझना चाहिए, पर थप्पड़ भी नहीं मारना चाहिए। सर कभी किसी और एक्टर की फिल्म को देख के आपको लगा है कि काश ये फिल्म मैंने की होती? यस। yes. कौन सी फिल्म? बहुत सी पिक्चरें जो अच्छी होती है वो जो मेरे हिस्से में नहीं आई। ओके। वो मुझे लगता है कि मैंने ये करनी थी, पर मैं सोचता नहीं है, तुम्हारी हाइट उतनी नहीं है, तुम्हारा वेट कुछ ज़्यादा है, तो फिर मैं अपने आप को कुछ कर देता। मैम आप खुद एक सुपरस्टार हैं, आप दो सुपरस्टार्स के साथ रहती हैं, एक तो ऋषि सर, दूसरे आपके बेटे रणबीर कपूर, जोरदार तालियां इस बात के लिए। हम दोनों के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, बिकॉज आप ऋषि सर की वाइफ हैं, उतनी ही ऑनेस्ट हैं आप, उतनी ही बेबाकी से बात करती हैं, दोनों में से ज्यादा फिटनेस कॉन्शियस कौन सा? आई नो इट्स अ स्टूपिड क्वेश्चन। जाहिर है यार, ऑब्वियसली जाहिर है कि मैं नहीं हूं। गुस्सा किसे जल्दी आता है? ये पूछने वाले सवाल। आई नो, फिटनेस, गुस्सा। ज्यादा लेजी कौन है? नहीं, लेजी रणबीर। अच्छा। या, ही इज नॉट लेजी। वेरी गुड, क्या बात। ओके, ये ना बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, कहते अच्छा दोनों में एक्टर कौन अच्छा है? दोनों की एक्टिंग इज वेरी डिफरेंट। सोच समझ के जवाब। रणबीर एंड दे बोथ आर टॉप क्लास मेरे हिसाब से। यस। वो थोड़ा गंभीर एक्टर है, ये थोड़े अलग, इनका स्टाइल अलग है, उसका स्टाइल अलग है, बट ही डजंट कॉपी हिम, ना वो किसी को कॉपी करता है, ना बड़ी बात है, ही डजंट कॉपी एनीबडी, सो दोनों का स्टाइल है, बट दे बोथ आर नेचुरल एक्टर। सर एक हमने काफी साल पहले एक न्यूज सुनी थी कि आपने मेरे ख्याल से फिल्म में, बॉबी फिल्म में, डिंपल जी को एक रिंग देते हैं और राजेश खन्ना साहब ने वो रिंग पानी में फेंक दी थी और बाद में अपनी वाली पहनाई थी, वो क्या किस्सा क्या है सर? क्लियर मतलब अब कहाँ पुराने मुर्दे सर मजा आएगा सर, आप मुर्दे गाड़ रहे हो तुम यार, वो खाड़ रहे हो, सॉरी। वो लंबा सा किस्सा है, अभी क्या मालूम क्या हुआ, वो रिंग मेरे पास है बाय द वे। अच्छा? नहीं नहीं, वो रिंग अभी अरेबियन सी में है, बैंक में है। अरे वो अरेबियन सी में यार, वो अभी वहीं पड़ी हुई है, तुम्हारे पास वो होगी।
और वो चलो वो किस्सा कभी उन दिनों का था, अभी छोड़ो और कई एक्टर्स सालों साल मेहनत करते हैं, अवार्ड की कोई इच्छा रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। ऋषि सर ने तो बचपन में ही नेशनल अवार्ड इनको मिल गया था। मेरा नाम जोकर के लिए सर आपको मिला था, तो जब आप गए नेशनल अवार्ड लेके, तो आपके पापा आपके दादाजी क्या रिएक्शन था उनका? अब देखो मैं 16 साल का था, 16-17 साल का था, मुझे क्या इल्म क्या नॉलेज थी एक्टिंग वैक्टिंग की। वो राज साहब जो करके दिखाते थे मैं उसे कॉपी करता था और वो एक्टिंग हो गई, तो उसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड पुरस्कार दिया गया, तो मैं बड़ा खुश था। पहले ही मालूम पड़ गया था पुरस्कार तो मिल गया जब, लेकिन फिजिकली जब मुझे मिला जी, तो मैं घर गया तो पापा ने कहा कि जाओ अपने दादा को जाके उनके चरणों में जाके डाल लो। तो मैं वहाँ गया दादाजी के यहाँ और मैंने वो जो पुरस्कार था मैंने दादाजी के चरण में रख दिया, तो उन्होंने वो पुरस्कार उठाया, उन्हें देखा, माथे पे ऐसे लगाया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो मैं घबरा गया कि मैं इनसे कोई गलती हो गई कि दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। तो उस वक्त तो बात मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन आज मैं उसका मतलब समझता हूँ कि उसने उस वक्त उन्होंने कहा था मेरे से कि राज ने मेरा कर्जा उतार दिया। क्या बात है सर, आपको तकरीबन मेरे ख्याल से 44 इयर्स होंगे ना, 44 साल हो गए इंडस्ट्री में, इस बात के लिए जोरदार तालियां। विद्वान ऋषि सर अभी मुझे बोल रहे थे कि कुछ टेक्निकल बातें हो रही थी कि जब आप हाई पिच पे कोई गाना शूट कर रहे हैं तो उसको आपको इतने जोर से गाना लगना चाहिए कि आपका भी जोर लग रहा है कि वैसा नहीं, तो कहते हैं कि नीतू जी डिस्ट्रैक्ट होती थी एज ए एक्टर, आप डिस्टर्ब हो जाती थी? ऑब्वियसली कोई आपके कान में इतना बेसुरा गा रहा है, यू विल फॉरगेट योर स्टेप्स राइट, रिदम भूल जाते थे सब, बट देन यू गेट यूज्ड टू इट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.